बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। इस बितवाक्य के साथ सहकार भारती ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्य अधिवेशन का आयोजन वाशी स्थित विश्वदास भावे नाट्यगृह में आयोजित किया गया, जहां सभी का मार्गदर्शन करने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला। साथ ही उपस्थित थे सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर उदय जोशी, एरोली के विधायक गणेश नाइक, बेलापुर के विधायक मंदा मात्रे, विधायक रमेश पाटिल, सहकार भारतीय फिशरीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती भाई केवट, मॉस्को रशिया की वाइस प्रेसिडेंट वॉक्सलेव कालिन, महाराष्ट्र प्रांत विवेक जुगाड़े, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले दो मछुआरों को शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। बता दें कि नवी मुंबई में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय स्तर के इस राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से मत्स्य विभाग में हुए क्रांतिकारक बदलाव के साथ मछुआरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 9.5 वर्षों के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की सत्ता में नहीं हुआ उससे तिगुना काम अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मछुआरों के लिए किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए इस योजना की खासियत पर प्रकाश डाला। वहीं इस योजना से मछुआरों को वंचित रखने वाले बैंकों पर निशाना साधते हुए सभी मछुआरे वर्ग को ये आह्वान किया कि अगर कोई बैंक अड़ंगे डालने का काम कर रहा है तो रिजेक्शन की लिस्ट लेकर आए, ऐसे बैंकों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष और एरोली के विधायक गणेश नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों को केंद्र स्थान पर रखते हुए उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और मछुआरों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, जो निश्चित ही एक क्रांतिकारक कदम है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आज मछुआरों के लिए एक स्वर्णिम अवसर और एक बड़ा गेम चेंजर बनकर साबित हो रहा है। पूरे देश के मछुआरे प्रतिनिधियों की उपस्थिति हुई, करीबन 20 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सहकार भारती अभी सहकारिता के साथ साथ मछुआरे समाज में भी सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मछुआरे सेक्टर को, हमारे कोस्टल बेल्ट को और हमारी कोस्टल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसी योजना के साथ 38,000 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी योजनाएं लागू करते हुए इस सेक्टर को ग्रामीण अर्थतंत्र के डेवलपमेंट के नज़रिए से आगे बढ़ाने का जो काम चलाया है, इनके परिणाम अब आने का शुरू हो गया है। फिशरीज सेक्टर उनका स्वागत कर रहा है, फिशरमैनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि अपने अपने राज्य की, अपने अपने समाज की समस्याओं के बारे में भी डेलिब्रेशन करने वाले हैं और नीतिगत सुझाव देने का भी यहां से प्रस्ताव होने वाले हैं। कार्यक्रम को शुभकामनाएं। बता दें कि इस राष्ट्रीय मत्स्य अधिवेशन में तकरीबन 20 से भी अधिक राज्यों से प्रतिनिधियों ने अपनी शिरकत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।